लेता हूँ। मैं बहुत कम पढ़ा, 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, इससे आगे मेरी पढ़ाई हुई नहीं है। दूसरी बात ये कह सकूँ कि मैं पढ़ा था, जब तक पढ़ता था कभी मैंने वांछन नहीं किया। एक मोदी पूरे हिंदुस्तान में काफी है, दो को इकट्ठा करके करोगे क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी लुधियाना ब्रह्म कुमारी आश्रम में पहुंचे। हमारे चैनल के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पूरा परिवार मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित में अपने परिवार को छोड़ दिया था, अब सिर्फ अपने जन्मदिन पर भी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए वे घर आते हैं। पंजाब के शो में सारे लुधियानवी का बहुत बहुत वेलकम जी। आज हम पहुंचे लुधियाना के ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में और हमारे साथ प्रहलाद मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के भाई। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, उनसे ओम शांति। सर आप बताइए लुधियाना कितने टाइम बाद आए आप? लुधियाना में करीबन 2 महीने, 6 महीने पहले आए। तो सर यहाँ आप आए हैं क्या? मतलब ब्रह्म कुमारी जी आश्रम से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ कोई भी संस्था के साथ, मैं मेरे जीवन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन के राह चिन्हने वाली जो कोई संस्था है उसको मैं प्रणाम करता हूँ और वहाँ से जो कुछ मुझे मिलता है सद्बुद्धि वो लेता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। सर आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, हमने आपके समय आपने बिंदु को जो महत्व दिया तो वो उसके बारे में आप कहाँ से इतना अच्छा अच्छा सोच लेके आते हैं, आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात की, मैं आज आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा, 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, इससे आगे मेरी पढ़ाई हुई नहीं है। दूसरी बात ये कह सकूँ कि मैं पढ़ा था, जब तक पढ़ता था कभी मैंने वांछन नहीं किया। एग्जाम आते थे, मेरा मित्र वांछता था, मैं सुनता था, क्योंकि मैं आज भी वांछन कर सकता नहीं। ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना तो बड़ी लाइन पढ़ लेता हूँ, छोटी लाइनें पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद आती है। ये मेरा वीक पॉइंट है, पूरे जीवन का वीक पॉइंट है। तो जो सुना है उसको समझा है और परम कुमारों परमात्मा की एक असीम कृपा है हम भाइयों पर, माता जी के संस्कार ऐसे हैं कि जब माइक हाथ में आता है ना तो कंप्यूटर काम करता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो सर मोदी जी के आप भाई हैं तो हम क्या कह रहे थे कि उनसे आप कितने इंस्पायर हैं और आप खुद क्यों नहीं इस पॉलिटिकल लाइन में आए? जैसे वो आज पूरे विश्व में इतने मशहूर हो चुके हैं, इतना नाम उनका ऊंचा चल रहा है, तो आपने खुद कभी नहीं सोचा कि आप इस लाइन में आए? एक मोदी पूरे हिंदुस्तान में काफी है, दो को इकट्ठा करके करोगे क्या? जाते जाते अपनी तरफ से कोई अच्छी सी 2-3 लाइनें, अब लुधियाना आए हैं, यहाँ के लोगों को अपनी तरफ से कोई अच्छा सा मैसेज भी दे दीजिए सर। मैं तो पूरे विश्व की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में परम कृपारू परमात्मा के सानिध्य में, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, जो जो अपने परमात्मा के स्वरूप में जो समझते हैं उन सबसे अपना ताना वाना लगाते रहें और पूरे विश्व में शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसे संस्थाओं की जरूरत नहीं पड़े। परिवार के साथ मोदी जी का रुख उनके लिए पहले राष्ट्र है, देश की जनता है, उसके बाद परिवार है, इतना ही उसके लिए रेखा। नरेंद्र भाई ने देश के 135 करोड़ लोगों की दुआ से जो कुछ देश को हासिल करना चाहिए वो हासिल करके दिया है, वो बैलगाड़ा चलाने वाला है, लेकिन देश की जनता उसकी मालकिन है और देश की जनता इसके लिए धन्यवाद। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।